भाई एरो का एग्जॉस्ट नया नया लगा था और इसकी हालत देखो क्या हो गई है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा शाहजहांपुर में मीटअप है। वैसे जानते हैं वो लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको थोड़ा लेट में पता चलेगा। तो हमें 5 बजे पहुंचना है शाहजहांपुर हर हाल में, और इस टाइम हम नोएडा में, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 या 8:30 के आसपास। ये लड़का तैयार है, मुझे तैयार होने में थोड़ी लेट लगी, लेकिन अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारा सामान हमने रात में पैक कर लिया था, जो कि एक बैग ये है, एक बैग वो है, और ये राइडिंग जैकेट है। तो यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं किस फटे हाल हम शाहजहांपुर पहुँचते हैं। लेकिन शाहजहांपुर में क्या होने वाला है उसकी घबराहटें इनको तो अभी से हो रही हैं, और मैं ले रहा हूँ मजे, जो होगा देखा जाएगा। सो गाइस, हम लोग नीचे आ चुके हैं, हमने गाड़ियों को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। बाकी अब इस टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे आपके भाई की बाइक में और आप लोगों की बाइक में एरो का एग्जॉस्ट लग चुका है, जो ऐसा साउंड कर रहा है। अभी डीबी किलर लगा हुआ है, डीबी किलर हटाने के बाद तो ये कान फाड़ेगा। फिलहाल हम इसे डीबी किलर लगा के ही ले जाएंगे, और रास्ते में अगर टाइम मिला तब दिखाएंगे आपको डीबी किलर हटा के साउंड। अदरवाइज तो फिर जब हम बैग घर पे रख चुके होंगे और एक्सप्रेसवे पे निकलेंगे इसे चलाने, तब साउंड सुनाएंगे आपको। सो गाइस, हम दोनों लोग निकल चुके हैं, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ 2:30 बजे तक पहुँचेंगे। हमारा मीटअप 5 बजे से है, और आज का मीटअप हमें लग रहा है, फील हो रहा है कि बहुत तगड़ा होने वाला है, बिकॉज बहुत लोगों के कमेंट आए हैं इंस्टाग्राम पे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आए हैं, जिससे हमें फील हो रहा है कि आज का जो मीटअप है वो रापचिक रौला ही होगा। तो देखना ये है कि हमें ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, अगर हमने कहीं रास्ते में रेस्ट करा तो पहुँचने में हो सकता है लेट, और कोई दिक्कत भी ना फंसे तब भी पहुँचने में लेट हो सकता है। तो ये है हमारे साथ, बस भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेते हुए, बजरंगबली का नाम लेते हुए हमें शाहजहांपुर का रास्ता 5 बजे से पहले कवर करना है भाई। 5 बजे तक हमें हर हाल में शाहजहांपुर में होना ही होना है। बाकी एग्जॉस्ट लग चुका है भाई लोग, तो अब टेंशन ना ही, अब देंगे हम फायर शॉट, बुम बुम। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की इसकी जो लाइट है फ्यूल अप की, वो जल चुकी है, तो हमें कहीं फ्यूल स्टेशन देख के फ्यूल अप भी कराना है। ये क्या है, ग्रीन स्टेशन है यार, ये सब समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या यहाँ फ्यूल मिलता है या खाली गैस मिलती है। चलो आगे अभी है करीब 50 किलोमीटर तो गाड़ी जाएगी ही जाएगी, कहीं डला लेंगे हम फ्यूल। सो गाइस, इस बार हम एक्सप्रेसवे के थ्रू नहीं जा रहे हैं, रास्ते थोड़े से हमने बदले हैं। क्या हुआ, अच्छा ओ भाई साहब, लग गया एग्जॉस्ट, लग गया ओ भाई, क्या साउंड आ रहा है यार, फायर शॉट पड़ रहा है ऐसे, पट पट देख रहे हो, डाउन शिफ्ट पे देख रहे हो क्या साउंड आ रहा है। देखो जैसे ये मैं अप शिफ्ट हूँ, अब अगर मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ तो आवाज सुनो, वैसे इतनी तेज में आवाज सुनाई नहीं देगी, मुझे लग नहीं रहा सुनाई देगी। ट्रैक्शन हो गया ऑफ, देखा फायर शॉट अरे भाई ऐसे ही फायर शॉट पड़ रहे हैं, सो गाइस हमें फ्यूलिंग स्टेशन मिल गया फाइनली, हमें नीचे उतरना पड़ा है अंदर शहर के, बाइक का टैंक फुल कराएंगे और उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस, एक बार हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारी बाइक जो है वो भूखी नहीं रह सकती है। हम भूखे रह के भी चल सकते हैं, लेकिन हमारी बाइक भूखे रह के नहीं चल सकती, इनको चाहिए ही चाहिए होता है, ये बिना भूखे चल ही नहीं सकती हैं। लेकिन फाइनली हमने इनका पेट तो भर दिया, अपना पेट अभी भी खाली रखता है, बिकॉज हम लोग बिना खाए पिए निकले, और आज बवंडर आने वाला है भैया, बवंडर लाएगा।
बरेली 217, नैनीताल 241, वाओ क्या बात है। सो गाइस अब भूख बहुत तेज लग गई है और बर्दाश्त ना होने वाली भूख है बिल्कुल, तो हम सोच रहे हैं आगे रुक के कुछ खा भी लेते हैं और फिर निकलते हैं, बिकॉज पेट में गुड़गुड़ हो रही है भाई। ये भी बड़ी देर से भागा जा रहा है। हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता कवर कर दिया है, तो अब तो बनता है रुकना। नशे की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देखिए पड़े हुए हैं यहाँ रोड पे, हम लोग वापस जा रहे हैं कुछ खाने। एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट दिखा है हमें, तो हमने कहा चलो कुछ खा ही लेते हैं फिर निकला जाए। तो गाइस ट्रिप में जब से ये लड़का मेरे साथ आया तब से मुझे लग रहा है मैं चाय पीना भूल गया हूँ। हर जगह कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता है और फिर चाय का मन नहीं करता है, तो आज मैंने चाय मंगाई क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है और सुबह की चाय अगर नहीं मिलती है तो दिन अधूरा सा रहता है। तो हमने छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, खा पी के हमें तुरंत निकलना है बिकॉज आज का मीटअप भाई यादगार होने वाला है। खाना वाना आ चुका है गाइस, बस खा के फटाफट निकलेंगे और फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है इनके पास, मीटअप अलर्ट, बहुत तगड़ा बवाल होने वाला है आज। सो गाइस हम लोग खा पी चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 200 किलोमीटर कवर करने के बाद ही रुकें, या हम फ्यूलिंग जब करानी हो तो उसके आसपास ही रुकें, उससे पहले ना रुकें बिकॉज 11 बज चुका है और हमें जल्द से जल्द शाहजहाँपुर पहुँचना ही होगा। आज हम कोई रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज बहुत ही तगड़ा मीटअप होने वाला है भाई वहाँ। DM सर से भी बात हो चुकी है, पुलिस वुलिस सबसे बात हो चुकी है, तो भाई। सो गाइज आज हम एक्सप्रेसवे की साइड नहीं जा रहे हैं, हम मुरादाबाद होते हुए जा रहे हैं शाहजहाँपुर, बिकॉज ये रास्ता छोटा पड़ता, अगर एक्सप्रेसवे से जाते तो लंबा पड़ता, इसीलिए हमने ये रास्ता चूज़ किया और ये रास्ता भी ठीक बन गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब रास्ता है, रास्ता एकदम सही है, बट थोड़ा सा भीड़भाड़ और सकरा रास्ता ज़रूर है, लेकिन ठीक है हम 100 की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। बाकी भाई आज तो दिल में धक धक हो रही है बहुत ज़ोर से, बिकॉज हम पहली बार इतना तगड़ा मीटअप करने जा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आए हैं, इतने तो अलीगढ़ में भी नहीं आए थे कि हाँ इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आए हों, तो बहुत रिस्पॉन्स है, बस देखना है कि सब सही सही हो जाए और सारे भाई लोग खुश होके जाएं बिल्कुल। इसीलिए हमने वहाँ DM सर से भी बात कर ली और सारी चीज़ें कर ली हैं जितनी ज़रूरी थी, ताकि कोई दिक्कत ना हो कि पता चले हाँ आए और पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के लाठी चलाएं, तो वो सब हमें चाहिए नहीं था। और इसीलिए DM सर ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लो, स्टेडियम में कर लो स्टेडियम, तो हमने कहा चलो ठीक है ये भी सही है, वहाँ हमारे पास ज़्यादा एरिया हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी है, तब तो सब ठीक है। बस अब बजरंगबली का नाम लेना है और बढ़ना है आगे की तरफ, तो बोलो जय बजरंगबली। तो गाइस टाइम हो गया है 12:23 और हम लोग अभी बरेली नहीं पहुँचे, बरेली करीब 70 किलोमीटर अभी भी है और शाहजहाँपुर करीब 160-165 किलोमीटर है यहाँ से। तो गाइस हमें लग रहा है हमारी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं, हमें रास्ते में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी मिली लेकिन सामने का मौसम देख के हमें लग रहा है कि सामने बारिश तगड़ी हो रही है, और अगर बारिश में हम भीगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम चाह नहीं रहे, लेकिन ये लड़का जहाँ जाता है बारिश साथ लेके जाता है, क्या करें, भगवान इंद्रदेव कृपा करें हमारे ऊपर, और अगर आप कृपा नहीं कर पा रहे तो भगवान कृष्ण से ही हमें निवेदन करना पड़ेगा कि आप ही हमारी रक्षा करें इस बारिश से, ताकि हम सही सलामत शाहजहाँपुर पहुंच पाएं। तो भैया इधर अभी अभी बारिश हुई है, पूरी की पूरी रोड गीली है लेकिन हमारे ऊपर बारिश नहीं हो रही है, तो जब तक नहीं हो रही है तब तक नहीं हो रही है। शिट गाइस शिट शिट शिट, बारिश हो रही है इधर, अब अपन क्या करे, अगर अपन बारिश में भीगा तो अपन का गोबर हो जाएगा ख़राब, इसलिए अपन रिस्क नहीं ले सकता यार। बैग में लैपटॉप भी है, मैं क्या ही करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं गोबर निकाल के जा रहा हूं बैग में रखने और उसके बाद देखता हूं कि क्या करना है। सो गाइस पुष्पा ने फिर से पीली लाइट शो कर दी है, मतलब अब इनको चाहिए फ्यूल, इनको फिर से भूख लग गई, मतलब हमने एक ही बार खाना खाया है लेकिन इन्हें फिर से पीना है, और वो भी महंगा वाला पेट्रोल, समझ रहे हो। तो अभी आगे देखते हैं कोई फ्यूल पंप होता है तो इनका पेट पहले भरते हैं, इनका पेट भरना बहुत ज़रूरी है, वैसे माइलेज बहुत सही आया है, एवरेज स्पीड देखते हैं कितना माइलेज दिए, माइलेज आया है 16.2 किलोमीटर पर लीटर का, जबकि हम 200-200 करते जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारी बाइक ने 14 लीटर फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर लिया है, सिर्फ 3 लीटर बचा हुआ है और सही टाइम पर हमें पेट्रोल पम्प मिल गया है, हालांकि उल्टी साइड था लेकिन हमने सोचा डला लेते हैं क्यों रिस्क लिया जाए।
तो यहाँ पे फ्यूल अप कराएंगे और अब सीधे रुकेंगे शाहजहाँपुर में। 80 किलोमीटर अभी भी शाहजहाँपुर बाकी है। पहली बार ऐसा म्यूटेप हम रखे हैं और ऐसी मतलब क्यूरियोसिटी तो हो ही रही, साथ ही साथ अजीब से घबराहट सी भी हो रही है क्योंकि इससे पहले ऐसे म्यूटेप रखे नहीं कि पुलिस की परमिशन वगैरह भी हमने ली हो कि कोई दिक्कत ना हो, तो इस बार तो वो भी हो रहा है और बारिश भी आ रही है तो सब कुछ मिक्स हो रहा है। क्या होने वाला है कोई आइडिया नहीं, लेकिन जो भी होगा देखते भाई भगवान भरोसे हम अब हैंडल करेंगे किसी ना किसी तरीके से सारी चीज़ों को। सो गाइस हम यहाँ रुके हुए थे और कुछ भाई लोग आ गए हैं तो इनके साथ एक दो फोटो वोटो क्लिक कराएंगे। बाकी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आगे तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम अपना गोप्रो उतार के बैग में रखने वाले हैं और उसके बाद हम नापते हुए निकलेंगे क्योंकि अब हमें रुकना नहीं है, हमें 5 बजे से पहले पहले शाहजहाँपुर भी पहुँचना है, इसलिए गोप्रो को अंदर रखने जा रहे हैं बैग में। सो नेक्स्ट जो ब्लॉगिंग शुरू होगी वो आगे होगी, अगर बारिश बंद हुई तो हम निकालेंगे अदरवाइज नहीं निकालेंगे। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे बारिश हो रही थी बरेली में और पूरी की पूरी बारिश हम लोग क्रॉस कराए हैं और इधर एक बूंद पानी नहीं गिरा है। बारिश में लगातार गाड़ी चलाने की वजह से गाड़ियों की हालत आप देख सकते हो क्या हो गई है, पूरा का पूरा ये गंदा हाल हो चुका है। हेलमेट तो अभी मैंने साफ किया है, गोप्रो वोप्रो वापस से सेट कर लिया है और मेरी खुद की हालत बहुत गंदी हो गई है, पूरा कपड़ा वपड़ा सब गंदा हो चुका है। भाई एरो का एग्जॉस्ट नया नया लगा था और इसकी हालत देखो क्या हो गई है, बहुत बुरा लग रहा है हमको, देख रहे हो ऊपर से नीचे तक बहुत गंदा हाल है, अभी इसको धुलवाना पड़ेगा हमें मीटअप से पहले। सो गाइज यहाँ रुक के हमने पानी वगैरह पिया और गोप्रो वापस से सेट कर दिया कैमरे पे, बिकॉज इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है और अब वापस निकल रहे हैं। हमें वहाँ पहुँच के सबसे पहले गाड़ियाँ धुलवानी पड़ जाएंगी, अब यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर में पहुँचते ही बाहर एक दो भाई लोगों ने रोक लिया, फोटोज वगैरह क्लिक कराई। अब हमें जाना है सबसे पहले तो रेडी होना है और गाड़ियाँ धुलवानी है, बिकॉज गाड़ियों की जो हालत है इन हालतों के साथ मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छा हुआ हम 3 बजे पहुँचे, अभी हमारे पास 2 घंटे हैं पूरे पूरे ये सब काम करने के लिए, बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। सो गाइस गाड़ी कहाँ चढ़ाई जा रही है देख रहे हो, शाहजहाँपुर में कहाँ गाड़ी चढ़वा रहा है। अरे भाई ओ भाई कहाँ गाड़ी चढ़वा दी इसने भाई, ये कहाँ गाड़ी चढ़वा दी तुमने, हम सोचे जीने नहीं होंगे आगे, जीने भी थे